नमस्कार दोस्तों, इस टाइप का विंडोज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले मोल्डिंग पीस को हम एक तरह से चारों तरफ मोल्डिंग ब्रास पट्टी साट के कर लेते हैं। उसके बाद विंडोज को मैं बराबर करके नापूंगा दोस्तों, और ये नापी है कि नहीं सही से। तो जितना थिकनेस मेरा विंडोज का आप देख रहे हो पत्थर का ब्रास पट्टी साट के होता है, उतना ही हम कातरा मारेंगे। तो आप देख रहे हो इसको बराबर कर लेते हैं और इसको हम नापेंगे कि जितना मोटा मेरा ब्रास पट्टी साट के, यदि मान लीजिए 1.5 इंची है, 1.25 इंची मेरा है दोस्तों, 1.25 इंची मैं नाप लेता हूँ, आपको दिखा रहे हैं। और इसे हम इसको निशान दे देते हैं और इसको तिरछा हम देख रहे हो जहाँ तक 1.25 इंची का है वहाँ हम ऐसे करके निशान मार देते हैं। तो देख रहे हो इसको हम कट कर लेंगे दोस्तों, खांचा कट कर लेंगे। कातरा मारने का जो प्रोसेस होता है आपको हम बारीकी से आपको दिखाएंगे, दो पत्थर रख के कि कातरा कैसे मारा जाता है। तो पहले फ़िलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा बारीक से हम आपको नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिख रहा हूँ, देख रहे हैं तो एक थोड़ा खांचा कट गया है इसी टाइप का। इधर हम नाप के बराबर करके इधर भी बराबर करके पत्थर को काट लेते हैं, उसके बाद इसमें भी नापी करके हम कातरा मारेंगे। तो यही प्रोसेस है दोस्तों, जितना मोटा मेरा है इधर से भी देख रहे हो उतना ही मोटा, 1.25 इंची का मेरा मोटाई है पत्थर और ब्रास पट्टी लेके। तो इसको हम 1.25 में निशान मार के इसको हम तिरछा करके देख रहे हो फिर हम इसको कटिंग करेंगे। तो यही प्रोसेस होता है कातरा मारने का, और इसको हम एक बार फिर बैठा के देखेंगे कि सही होता है कि नहीं। एकदम आपको जो निशान मारे दोस्तों इधर से तिरछा मार के और इधर निशान मेरा वहीं तक छूना चाहिए। आप देख रहे हो ये खांचा हो गया मेरा, और इधर आपको दिखा रहे हैं, एक बार सेट करके हम देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रॉपर मेरा, आप देख रहे हो प्रॉपर मेरा बैठ जा रहा है। इसको हम मसाला देके अब इसको इंस्टॉल करेंगे। तो देख रहे हो पहले अच्छा से हम चारों तरफ पैक कर लेंगे, और उसके बाद ऊपर से हम रख के जो लेवल बाटली होता है उससे हम चेक करेंगे, और उसके बाद साइड पट्टी हम साहुल से करेंगे। तो इसको हम रख रहे हैं दोस्तों, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसको अच्छा सा प्रेस करना है। अब देख रहे हैं एक टाइल्स के मदद से जितना लॉजिंग रखना है आपको चारों तरफ उतना ही लॉजिंग रखना है। तो स्ट्रीट लेवल से आप देख रहे हो चेक कर रहे हैं कि मेरा एकदम बराबर रहना चाहिए, तब आपका 90 डिग्री में खड़ा होगा। तो इधर से हम साइड पट्टी नाप लेते हैं, और साइड पट्टी दोनों तरफ जैसे बराबर रहना चाहिए उसी हिसाब से हम नापी लेंगे। वही प्रोसेस आपको नीचे से लेके एकदम दीवार सीलिंग सटा के कातरा मारना है। तो वही तिरछा मारना है 1.25 इंची में, इसको कट करना है, और दोस्तों इसमें खांचा टाइप का काट देना है लंबा जैसा, वहाँ कट करके और यहाँ लंबा जैसे आपको काटना है। तो ये हम खांचा जैसा इसमें कातरा काटेगा एक तरफ उतना काट के, और पूरा लंबा आपको काट देना है ताकि आगे तरफ आपका ब्रास पट्टी से मिलावट होगा, और इसको आगे तरफ खोच जैसा लगेगा, इसमें पकड़ होगा, उसमें जो साइड पट्टी है ऊपर का पट्टी पकड़ होगा। तो ये देख रहे हो उतना ही नाप के हम ऊपर का भी कातरा मार लेते हैं 1.25 इंची में। तो कातरा मारने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों मैं बारीकी से और एकदम अच्छा से बताऊंगा। तो इसमें मैं हालांकि हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसीलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, वीडियो लंबा जा रहा है, तो सिर्फ कातरा हम मार के दिखा रहे हैं आपको, समझा के नहीं मार पा रहे हैं। तो हम छोटा पत्थर में आपको कातरा मार के दिखाएंगे 2 ग्रेनाइट में, ठीक है। कभी भी आ सकता है वीडियो, मेरा चैनल में बने रहे, आपको एकदम बारीकी से नॉलेज मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं जो नॉलेज देता हूँ बारीकी से देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देख रहे हो इसको साहुल कर लेते हैं, फिर चारों तरफ में मसाला देके इसमें भी मसाला देंगे और पत्थर में भी मसाला देके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरा काम भी कैसा है आप ज़रूर बताइएगा। और आप इस टाइप का काम करिएगा तो हमको लग रहा है बहुत अच्छा, हम पार्टी को समझा के आप, बहुत ऐसा इशू होता है दोस्तों पैसा नहीं देने खोजता है, स्क्वायर फीट में कंपटीशन का बाज़ार है, लेकिन फिर भी आप उसको काम में बोलिए तो अच्छा से, तो आपको ज़रूर देंगे पैसा। तो देख रहे हो इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको साहुल मिला लेंगे दोस्तों साइड पट्टी से। साहुल यदि मिला ले रहे हो उसके बाद आपके ये 90 डिग्री में चल जाएगा। अब इसी नापी से आपको साइड पट्टी इधर भी आपको करना है। तो देख रहे हो बहुत अट्रैक्टिव काम होता है, हम भी जब भी काम करते हैं दोस्तों तो अट्रैक्टिव मालिक को बोलते हैं कि इस टाइप का काम होगा। हम यूट्यूब चैनल में भी विजिट करते हैं, इसको दिखाते हैं मालिक को, तो मालिक को पसंद आ जाता है कि नहीं काम मिस्त्री जी जानता है, इसलिए हम
उनको बोलते हैं कि आपको इस टाइप का हम काम कर देंगे, तो वो हमको काम दे देते हैं। तो देख रहे हो इसी टाइप का खांचा कटेगा दोस्तों, जो आपको प्रोसेस था इसमें, आपको खाली आगे पर्सन में आपको है तिरछा काट के उसको सीधा एकदम तिरछा करके 45 डिग्री एंगल में काट के, और वहाँ आपको खांचा टाइप का काट देना है, जो चौखट का जैसा खांचा कटता है उसी टाइप का काटना है एल शेप में, और आगे तरफ आपको रहेगा 45 डिग्री में तिरछा कतरा। तो ये देख रहे हो इसको भी हम काटेंगे, तो इसमें पूरा पत्थर नहीं साटा हूँ दोस्तों, जितना लंबाई मेरा है उतना ही लंबा काटा हूँ साटा हूँ सॉरी, और इसको हम वही प्रोसेस से कतरा काटेंगे। तो ये साइड पट्टी मैं इधर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों तरफ हम बराबर मिला लेते हैं कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं। अब इसको हम थोड़ा रगड़ के एरोलाइट ले देते हैं, और ऊपर से हम एरोलाइट दे के दोस्तों इसको हम अच्छा से पैक करेंगे। तो देख रहे हो को ग्राउट दे के साइड पट्टी को हम अच्छा से चिपकाएंगे, और देख रहे हो इधर भी हमको देना है, दीवार में भी देना है, ताकि मजबूत आपका सही होगा। ग्रेनाइट में भी आपको देना है और दीवार में भी देना है। और इसके बाद दोस्तों विंडोज फ्रेम बनाने के बाद लुक ही गजब लगता है, तो विंडोज फ्रेम यदि आप नहीं बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये कॉम्बिनेशन में देख रहे हो टाइल्स का कॉम्बिनेशन में मेरा ग्रेनाइट भी है, ब्रश पट्टी साट के हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों यही काम होता है, हम साइड तरफ नाप लेते हैं, और लास्ट मेरा ये प्रोसेस जो ग्रेनाइट का मैं कतरा मार के आपको नहीं दिखाया, ये कतरा टोटल मैं मार के डायरेक्ट हम इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इसमें सीमेंट का पेस्ट दे रहे हैं, और इसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि कैसे काम होता है। साइड पट्टी हम ऊपर से इसको चिपका देंगे, ये एरोलाइट हम है साइड में दे देते हैं ताकि मजबूती का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि सीमेंट में भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो आपको एरोलाइट भी देना है और सीमेंट भी देना है। तो देख रहे हो बनने के बाद कितना अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, खूबसूरत। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।